बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपसे कहा जाए कि मान लीजिए ये एक पार्टिकल ए है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, इसके पास एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ अगर हमें ऐसे बोलना है कि इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन 3 है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। इससे 50 मीटर की दूरी पर, कितना दूर, 50 मीटर, यहाँ पर एक दूसरा पार्टिकल बी है ऐसे, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकंड है और इसके बाद जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, सवाल लिखें, फाइंड मिनिमम सेपरेशन, फाइंड मिनिमम सेपरेशन, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल ए एंड बी। आपको मिनिमम सेपरेशन बताना है पार्टिकल ए और बी के बीच में, मिनिमम गैप। ठीक है, तो फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल ए एंड बी। तो बहुत आसान, हमें पता करना है इनके बीच का मिनिमम गैप, क्लोजेस्ट गैप। तो एक काम करो, किसी एक को रोक दो। मैंने कहा था रिलेटिव मोशन में हम टू बॉडी मोशन को वन बॉडी मोशन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने चलो पार्टिकल बी को रोक दिया। ध्यान से देखना, हम बी के फ्रेम में पूरा प्रॉब्लम करने चले, हमने एक ऑब्जर्वर बी पे बैठा दिया। तो बताओ जो बी है अब वो इस ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट हो गया। बी के रिस्पेक्ट में ए की इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव वाली बताओ कितनी नज़र आएगी। तो कैसे बनाते थे रिलेटिव वेलोसिटी, इसके पास अपनी वेलोसिटी 20 और ये वाला जो 8 है, क्या उसको अपोजिट देते थे, तो अपोजिट इधर मिलेगा तो बचा कितना, 12। तो यह आ गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। चाहो तो हम इसे सीधा रिलेटिव कह दें, कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। चलो बेटा एक्सेलरेशन देखो रिलेटिव, ये वाला 5 का एक्सेलरेशन, इसको अपोजिट इधर मिलेगा तो इधर 5 इधर 3, तो इधर बचा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। चाहे तो आप इसे ए रिलेटिव कह दें, कितना बच रहा बेटा, वो 5 तुमने इधर अपोजिट दिया तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो बताओ इसके बाद वेलोसिटी राइट है, एक्सेलरेशन लेफ्ट है, तो ये जाएगा तो राइट, लेकिन इसकी स्पीड घटती जाएगी और घटते घटते मान लो यहाँ कहीं जीरो हो गई। कौन सी वेलोसिटी जीरो हुई, रिलेटिव। और जब ये जीरो हुई तो बताओ ये पार्टिकल यहाँ पे एक इंस्टेंट के लिए रुक गया, परमानेंट रुका कि एक इंस्टेंट के लिए रुका, एक इंस्टेंट के लिए। अब क्या होगा, अब ये यहीं से बैक होगा क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही है, ये बैक होगा। तो हम कहेंगे इनके बीच का मिनिमम गैप ये है बेटा, मिनिमम गैप। तो क्यों ना हम एक काम कर लें, ये पता कर लें कि रुकने से पहले ये एस रिलेटिव कितना गया, ये पता कर लें। तो हम देखो पार्टिकल नंबर ए के लिए इक्वेशन लगाने चले, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये वी रिलेटिव है, यू भी रिलेटिव है, ए भी रिलेटिव है, तो एस भी रिलेटिव ही आएगा। तो देखो बेटा वी रिलेटिव जीरो हुआ, तो ये देखो जीरो हुआ, यू रिलेटिव देखो 12 था और रिटार्डेशन देखिए 2 का रिटार्डेशन है, और ये देखो एस रिलेटिव आ गया। एस रिलेटिव देखिए भाई 144 अपॉन 4 36 मीटर। तो ये बताओ 36 मीटर आ गया बेटा ये, और अगर ये 36 है तो बताओ ये कितना होगा मिनिमम, तो 50 में से 36 घटा दो, तो 50 माइनस 36 आंसर 14 मीटर। तो पार्टिकल ए पार्टिकल बी के क्लोजेस्ट मतलब मिनिमम दूरी पर 14 मीटर की मिनिमम दूरी तक देखा जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। नोट कर लो बेटा इसको आप लोग।
राइट। अगला सवाल देखिए, मैं बेटा सर अब कर दूं, राइट। अब देखिए भाई, मान लो हम आपसे कहें, आपको एक सवाल दें, क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अगला सवाल देखिए, ये एक पार्टिकल ए है, हम लोग ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, इसमें डायमेंशन नहीं ले रहे हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर मैं केवल इतना बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इस पार्टिकल ए से 30 मीटर की दूरी पर एक पार्टिकल बी है ऐसे, और इस पार्टिकल बी के पास इनिशियल वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। सवाल का फाइंड मैक्सिमम सेपरेशन, फाइंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी एंड ऑल्सो फाइंड टाइम, एंड ऑल्सो फाइंड टाइम आफ्टर विच, एंड ऑल्सो फाइंड टाइम आफ्टर विच पार्टिकल ए एंड बी कोलाइड, एंड ऑल्सो फाइंड टाइम आफ्टर विच ए एंड बी कोलाइड। हमको बताना है इनके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा, और हमको ये भी बताना कि ये दोनों कितने टाइम के बाद टकराएंगे राइट। तो चलो इसमें दो सवाल करने हमको, तो बहुत आसान। आपने कहा सर किसी एक को रोक दो, तो देखो हम क्या पार्टिकल बी को रोक दें, पार्टिकल बी को हमने रेस्ट करा, यहीं हमने अपना ऑब्जर्वर बैठा दिया, ये पार्टिकल देखो बेटा रेस्ट हो गया ठीक। अब पार्टिकल ए के पास रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसकी अपनी 6, 18 इधर मिला तो इधर आया 12, तो ये हो गया यू रिलेटिव 12 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन देखो ये 5 तो ये 2 इधर आएगा, तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन आया 3, ध्यान से देखिएगा। तो बताओ ये पार्टिकल ए बी से ऑलरेडी 30 मीटर की दूरी पे है, लेकिन इसके बाद वेलोसिटी लेफ्ट आ रही है, तो बताओ ये पहले लेफ्ट जाएगा, और कब तक लेफ्ट जाएगा, जब तक कि स्पीड 0 ना हो जाए। तो हमको मैक्सिमम सेपरेशन पूछा, तो बताओ ये पहले लेफ्ट गया ऐसे जा रहा है, और यहाँ कहीं मान लो इसने अपनी रिलेटिव वेलोसिटी 0 कर ली, ध्यान से देखिएगा रिलेटिव वेलोसिटी 0 कर ली, तो बताओ 12 की स्पीड 3 का रिटार्डेशन। अगर आप मेरे स्टूडेंट ने शुरू से पढ़ रहे हैं तो आप तुम्हें तुरंत आंसर देना चाहिए, 12 की स्पीड है और 3 का रिटार्डेशन अपोजिट डायरेक्शन में, कितने टाइम में 0, 4 सेकेंड। अब मैं निकालूंगा नहीं, आपको खुद ही समझ में आना चाहिए, क्या ये टी बराबर 4 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, राइट। यहाँ से यहाँ तक ये कितना गया होगा, तो अगर हम ये एस निकाल लें, एस रिलेटिव ठीक, कि कितना पीछे गया, तो आप कहेंगे सर इक्वेशन लगा दो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, क्यों बेटा, और ये वी रिलेटिव, यू रिलेटिव, ए रिलेटिव, एस रिलेटिव, ये हुआ 0, यू है देखो 12 का स्क्वायर, रिटार्डेशन देखो 3 का, और ये एस रिलेटिव हमको चाहिए, तो यहाँ से एस रिलेटिव आ गया 144 अपॉन 6,
24 मीटर दूर चला गया। तो बताओ ये पीछे की तरफ 24 मीटर गया, अब देखना। तो अगर हम इनका है इनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन, तो एक आंसर तो आ गया मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। तो देखो एक आंसर आ चुका है इनके बीच का मैक्सिमम गैप, तो 30 मीटर तो पहले से है और 24 मीटर और पीछे चला गया, तो मैक्सिमम गैप हो गया 30 + 24 यानी 54 मीटर इज आंसर। अब हमसे कह रहे हैं ये दोनों टकराएंगे कितने टाइम के बाद, तो जरा बताओ क्या ये पार्टिकल ए यहाँ से एक नई शुरुआत करेगा जीरो रिलेटिव वेलोसिटी से, 3 का रिलेटिव एक्सेलरेशन लेते हुए अब ये वापस आएगा और अपनी स्पीड को बढ़ाता जाएगा और बताओ पार्टिकल बी को जा कर के हिट कर जाएगा। जब ये यहाँ आ जाएगा और यहीं भी खड़ा है तो इनका बताइए यहाँ पर हो जाएगा कोलिजन। तो हमसे ये भी पूछा है कि कोलिजन होने में कितना टाइम लगेगा, तो एक काम करो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालो। जरा बताओ यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, 4 सेकेंड। तो वापस यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा ये और निकाल लो, उसमें 4 सेकेंड ऐड कर देना, तो शुरू से टोटल टाइम ऑफ कोलिजन आ जाएगा। तो जरा बताओ ये दूरी है कितनी, 54 मीटर, कितना 54 मीटर। इक्वेशन यहीं लगा देना है, एस बराबर यहीं लगा देना, देखना एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया। तो ये देखो एस रिलेटिव, यू रिलेटिव, ए रिलेटिव। तो ये देखो बेटा 54, यू रिलेटिव 0 है, एक्सेलरेशन है अब की बार कितना 3 और टाइम हमको चाहिए है, तो 3 से काटो 18 36, तो टाइम आ गया 6 सेकेंड यानी इसको लौटने में 6 सेकेंड। तो टोटल टाइम फॉर कोलिजन यहाँ लग दें, टोटल टाइम फॉर कोलिजन तो इसको टोटल टाइम कोलिजन में कितना लगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 सेकेंड और 6 सेकेंड वापस आने में, तो 4 + 6 आंसर होगा 10 सेकेंड। नोट कर लीजिए एकदम आसान। नोट कर लो बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए देखिए जरा, अब देखिए भाई अगला सवाल कुछ ऐसा है, एक्स वाई प्लेन में ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस, ध्यान से देखिएगा हमारे पास दो पार्टिकल हैं ए और बी, ठीक। एक पार्टिकल ए जो है वो ओरिजिन पे है, ए पार्टिकल कहाँ है, ओरिजिन पर है और वो नीचे की तरफ ऐसे वी मीटर पर सेकंड से जा रहा है। टी बराबर 0 का फोटो बना रहा हूँ, शुरुआत में ए यहाँ है। बी पार्टिकल एक्स एक्सिस पर ए मीटर की दूरी पर है यहाँ पर, ये बी पार्टिकल है और ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है वी मीटर पर सेकंड से, और ये बी पार्टिकल टी बराबर 0 पे यहाँ था, ए दूरी पर था, ठीक है। फाइंड, सवाल लिखिए फाइंड
मिनिमम सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल ए एंड बी। हमारा सवाल है फाइंड मिनिमम गैप या मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, आपको ए पार्टिकल और बी पार्टिकल के बीच का मिनिमम सेपरेशन बताना है। ऑल्सो फाइंड टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन। ऑल्सो फाइंड टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन, हमें मिनिमम सेपरेशन का टाइम भी बताना है कि ये जो मिनिमम सेपरेशन है ये कितने टाइम के बाद देखा जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले तो एक बात बताइए आप हमें, यहाँ पर मिनिमम सेपरेशन किसे कहते हैं, पहले ये समझो। मिनिमम सेपरेशन, एक पार्टिकल मान लीजिए, मान लो हम आपसे कहें ये एक पार्टिकल है, ये कॉपी यहाँ पे रखी है, एक पार्टिकल है आपको दिख रहा होगा, एक मैं हूँ, मेरे इसके बीच की दूरी ये है, मैं बताओ जैसे ऐसे जा रहा हूँ तो हमारे इसके बीच की दूरी कम हुई, हमारे इसके बीच का मिनिमम गैप कब होगा, जब मैं इससे 90 डिग्री पे आऊँगा। कैसा 90 डिग्री, समझो मतलब कहने का क्या है। यहाँ अगर हम तुम्हें समझाएं कि कोई पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल मान लो यहाँ है, वन पार्टिकल, और ये पार्टिकल टू है, ध्यान से देखना ये पार्टिकल टू है। अभी देखो वन और टू के बीच की दूरी ये है, इनके बीच का गैप ये टू, बताओ अगर ऐसे जा रहा है, समझना, तो ये गैप बताओ अब ये हो जाएगा, और बताओ जब ये यहाँ पहुँचेगा तो ये गैप और कम हो गया, और जब बताओ ये यहाँ पहुँचेगा 90 डिग्री पर यहाँ होगा, तो क्या यही गैप मिनिमम होगा, और जब इसके आगे जाएगा तो ये गैप फिर बढ़ने लगेगा बेटा, फिर गैप बढ़ने लगेगा। तो आप हमको बताइए मिनिमम गैप किसे कहते हैं, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग मिनिमम डिस्टेंस कहते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, राइट। तो जरा बताओ शुरुआत में दूरी ये थी, फिर ये हुई, फिर ये हुई, और फिर ये एस मिनिमम है, और ये फिर बढ़ने लगा एस फोर, राइट। इसे हम एस टू नाम दे दें, ये हमारा मिनिमम हो गया, इसको एस थ्री कह दो, एस फोर कह दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मकसद क्या है हमारा, हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज मिनिमम डिस्टेंस। ये बात एकदम दिमाग में बैठ जानी चाहिए, कभी भी मिनिमम डिस्टेंस पूछी जाए तो हम कहेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस जो होती है वो उन दोनों पार्टिकल के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो वन यहाँ रुका है, टू यहाँ से जा रहा है, ये मेरा हाथ समझो पार्टिकल, हमारे इसके बीच की दूरी ये थी, हम इधर गए, दूरी कम हुई और कम हुई, जब हम इससे 90 डिग्री भी आ गए एकदम परपेंडिकुलर, तो ये गैप मिनिमम हो गया, और जैसे इससे दूर जाने लगे गैप फिर बढ़ने लगा। तो ध्यान देना ज़रा, एक काम करें आपने कहा सर बताइए क्या करना है, एक काम करते हैं भाई, हम इसमें से टू बॉडी मोशन है, ये देखो ये भी ए देखो इधर जा रहा होगा, बी इधर जा रहा, रियल में देखें अगर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ थोड़ा सोचें तो ये पार्टिकल ए ऐसे नीचे आ रहा होगा अर्थ के रिस्पेक्ट में, पार्टिकल बी इधर आ रहा होगा, तो जब पार्टिकल ए यहाँ कहीं होगा पार्टिकल बी यहाँ कहीं होगा तो ये दूरी आएगी मिनिमम दूरी, राइट। लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में सवाल करना काफ़ी कठिन है हमारे लिए, हम रिलेटिव मोशन से करेंगे, देखना टू बॉडी मोशन को वन बॉडी मोशन में कन्वर्ट करेंगे सवाल कितना आसान। तो देखो मैं करने चला, चलो भाई किसी एक पार्टिकल को रोक दें, हमने कहा ए को रोक रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैंने ए को रोकने का मन बनाया, जो ए पार्टिकल है मैंने यहीं पे ऑब्जर्वर बिठा दिया, तो जो ए पार्टिकल है वो हो गया रेस्ट, ध्यान से देखिएगा ए हो गया रेस्ट। ए के रिस्पेक्ट में हम बी को देखेंगे, यानी हम पार्टिकल बी की रिलेटिव वेलोसिटी बनाएंगे किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान दो यहां से ए दूरी पर, ए मीटर दूरी पर, ये ए मीटर है, यहां पे एक पार्टिकल बी था, इसके बाद अपनी वेलोसिटी इधर भी है, और बताओ जिसको रोका उसकी वेलोसिटी भी नीचे थी, उसको अपोजिट क्या ऊपर की तरफ बी मिलेगी ऐसे। अब बताओ बी पार्टिकल के पास इधर भी है इधर भी है, तो इनका रिजल्टेंट इधर आएगा कितना √2b, और ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री।
तो जो पार्टिकल भी है देखो वो इस रास्ते पर ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। तो बताओ ये जो रास्ता है ये पाथ है और पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ए। बताइए अर्थ के रिस्पेक्ट में तो पार्टिकल बी एक्स के लॉन्ग आ रहा है, लेकिन बताओ रिलेटिव में पार्टिकल बी इधर जा रहा है 45 डिग्री पर। तो बताओ ए यहाँ पे रुका है और पार्टिकल बी देखो यहाँ से शुरू हुआ ए मीटर दूरी ऐसे जा रहा है, तो ये बताओ इस रास्ते में जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो बताओ मिनिमम गैप किसे कहेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो जब ये पार्टिकल यहाँ होगा इसको हम कहते हैं ना बी डैश, जब वो यहाँ पहुँचा होगा और ये रूट टू बी स्पीड से जा रहा होगा रिलेटिव में, तो बताओ क्या यही दूरी मिनिमम दूरी होगी। सवाल ख़त्म हो चुका है हमको बेटा, ये दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी। तो देखना ये ट्रायंगल ए बी और बी डैश, तो हम चलो एक ट्रायंगल एज्यूम कर लें ऐसे, ए देखो 90 डिग्री बी डैश पे है, बी डैश और ये बी हो गया ठीक, 90 डिग्री यहाँ है। तो हाइपोटेनस हमारा ए बी, ये हाइपोटेनस है और ये ए मीटर है। हमको निकालना क्या है ए बी डैश, हमको ये निकालना है एंगल। देखो कौन सा 45 है, ए बी और बी बी डैश के बीच का एंगल, ए बी और बी बी डैश के बीच का एंगल ये 45। तो जरा बताओ अगर ये ए है, ये हाइपोटेनस है, तो ये ए कॉस 45, तो क्या ये ए बाई रूट टू होगा। ये बोलो ए साइन 45, क्या बताओ बेटा ये भी ए बाई रूट टू होगा, यस ये भी ए बाई रूट टू होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस किसे कह रहे थे ए बी डैश, यही बताओ बेटा मिनिमम डिस्टेंस आ गई ये वाला, ये वाली डायमेंशन ये ए बी डैश। तो बताओ मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो गई ए बाई रूट टू। सवाल खत्म। अरे चाहो तो तुम्हें यहीं कर दूँ, ये निकालना है, ये हाइपोटेनस है, ये 45, तो हाइपोटेनस का ये ए बाई रूट टू कॉस कॉम्पोनेंट, ये साइन कॉम्पोनेंट ए बाई रूट टू। तो देखो एस मिनिमम तो आ गया, अब मैं निकालने जा रहा हूँ टाइम। तो जरा बताओ टाइम कैसे निकलेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वो रिलेटिव में कितना चला और कितनी रिलेटिव स्पीड से चला ये देख लो। तो बताओ रिलेटिव में कितना चला, बी से बी डैश गया, तो बी से बी डैश की दूरी ए बाई रूट टू, तो वो ए बाई रूट टू चला, कितनी रिलेटिव स्पीड से चला, तो रिलेटिव स्पीड बेटा रूट टू बी है, तो रूट टू बी से डिवाइड कर दो। तो आंसर आ गया ए बाई टू बी सेकेंड, ये हमारा टाइम लगा होगा मिनिमम सेपरेशन होने में, नोट कर लो। एकदम आसान हो गया देखिए रिलेटिव मोशन से। नोट करिए नोट कर लो बच्चों, मिनिमम सेपरेशन हमेशा किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये बात याद रखिएगा ठीक है। अगला सवाल लिखिए, लिखें टू पार्टिकल्स, क्वेश्चन लिख लो पहले, टू पार्टिकल ए एंड बी, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर सेपरेटेड, टू पार्टिकल ए एंड बी आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, बाई ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर एंड रिलेटिव वेलोसिटी, एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए इज 20 मीटर पर सेकेंड, इज 20 मीटर पर सेकेंड ठीक है। आगे लिखें फुल स्टॉप के बाद, द कॉम्पोनेंट ऑफ, द कॉम्पोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, द कॉम्पोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन, द कॉम्पोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन इज 10 मीटर पर सेकेंड,
इज 10 मीटर पर सेकेंड. फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी. फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी एंड ऑल्सो फाइंड टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन. आपको मिनिमम सेपरेशन का टाइम भी बताने को कहा गया है. सवाल पढ़ लीजिए आप तब तक. सवाल पढ़ लीजिए. कह रहे हैं दो पार्टिकल हैं ए और बी, इनके बीच का गैप 100 मीटर है. ठीक है, तो देखिए भाई हम ज़रा फोटो बनाते हैं. मान लो आपसे ऐसे कहें एक पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है. ठीक, इनके बीच का गैप 100 मीटर है. चलिए अगला लाइन क्या लिखा है. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 20 मीटर पर सेकेंड. इसका क्या मतलब है कि बी की रिलेटिव वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में 20 है. मतलब ए को ऑलरेडी रेस्ट माना गया है, ए को हमने कर दिया रेस्ट, ये हो गया रेस्ट, यहीं हमने अपना ऑब्जर्वर बैठा दिया ए पर. अब क्या कह रहे हैं हमसे, अब कह रहे हैं कि जो पार्टिकल बी है वो ए के रिस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था. इसके बाद वेलोसिटी 20 इधर हो सकती, लेकिन उसके लिए उन्होंने इशारा किया है कि उस रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट इस ज्वाइनिंग लाइन के लॉन्ग 10 मीटर पर सेकंड पाया गया. तो ध्यान दो, अगर हम कहें ये रिलेटिव वेलोसिटी है बी का ए के रिस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल थीटा हमने मान लिया, तो बताओ ए रुका है, पार्टिकल बी इस रास्ते पे जा रहा है, ऐसे इस रास्ते पे जा रहा है स्ट्रेट लाइन में. तो कह रहा है रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट ज्वाइनिंग लाइन के लॉन्ग, तो बताओ इस 20 का इधर जो कंपोनेंट आएगा बताओ कितना आएगा, 20 का कॉस थीटा. तो 20 कॉस थीटा सवाल में कितना दिया है 10. बताओ ये कॉम्पोनेंट रिलेटिव वेलोसिटी का अलोंग ज्वाइनिंग लाइन, बताओ 10 दिया है. तो कॉस थीटा की वैल्यू हाफ हो गई बेटे, थीटा आ गया 60 डिग्री. यानी आपको पता है ये एंगल निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये हो गया 60 डिग्री, एंगल निकल आया. अच्छा तुमको सर इधर ही क्यों माना, इधर क्यों नहीं माना, आप इधर मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं, उधर मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, वो तो मैंने इसलिए माना क्योंकि यहाँ जगह ज़्यादा खाली है तो इधर मैं सॉल्व करूँगा. ठीक है, आप देखो तो ये 20 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है, 60 डिग्री एंगल हमने निकाल लिया. कैसे निकाला, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि उस रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट ज्वाइनिंग लाइन के लॉन्ग 10 मीटर पर सेकंड पाया गया. अब बताओ ये इस रास्ते में जा रहा है, ये यहाँ पे इंतजार कर रहा है, बताओ मिनिमम सेपरेशन किसे कहते हैं. यहाँ से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये गैप हमारा मिनिमम गैप होगा जब ये पार्टिकल भी यहाँ होगा, इस पॉइंट पे होगा यहाँ बी डैश. और ये बताओ कितनी स्पीड से जा रहा था, 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था. इस दूरी को हम लोग कहेंगे मिनिमम दूरी, ये हमारा मिनिमम सेपरेशन है. बोलो भाई अब तुम चाहो तो यही कर लो और चाहो तो एक ट्रायंगल बना लो इसी के इक्विवेलेंट, चाहे जैसे करिए. तो बताओ भाई ए बी बी डैश, तो एक ट्रायंगल 90 कहाँ पे, बी डैश. तो देखो ध्यान से हम इसी के इक्विवेलेंट एक ट्रायंगल बना दें ऐसे, ये ए ये बी डैश और ये बी. देखो बी डैश यहाँ लिया 90 पे, तो ये 90, ए से लेके बी तक की दूरी 100 मीटर, ये 100 मीटर, ये वाली दूरी है ए बी डैश, यही हमारा एस मिनिमम है. एंगल 60 कहाँ पे, देखो बी बी डैश और ए बी के बीच,
तो बी बी डैश और ए बी के बीच ये एंगल हो गया 60। देख लो इसी ट्रायंगल को हमने वहाँ दिखा दिया। अब बताओ ये 100 हाइपोटेनस, तो ये बताओ 100 का कॉस 60, कॉस 60 कितना होता बेटा हाफ, तो ये हो गया 50 मीटर, 50 मीटर। और ये बताइए जरा 100 का साइन 60, तो ये बताइए एस मिनिमम की वैल्यू आ चुकी है 50√3 मीटर। तो मिनिमम सेपरेशन हो गया बेटा 50√3 मीटर। ऐसा होने में कितना टाइम लगा, तो जरा बताओ ये दूरी बी से लेके बी डैश तक की दूरी, ये बताओ दूरी 50 मीटर आ गई, ऐसा होने में कितना टाइम लगा होगा। तो टाइम बराबर वो रिलेटिव में कितना चला और कितनी रिलेटिव स्पीड से चला उससे डिवाइड कर दूँ, तो टाइम बराबर, तो बताओ बी से बी डैश आना यानी 50 मीटर आना, तो डिस्टेंस हो गई 50 मीटर, रिलेटिव स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर होगा हमारा 2.5 सेकेंड। इतने टाइम में वो बताइए मिनिमम सेपरेशन पर देखा जाएगा, और वो मिनिमम सेपरेशन ये हमारा एस मिनिमम 50√3 मीटर आ चुका है। आप इसको नोट कर लो बेटा आराम से। बेटा इसे नोट कर लीजिए, आई थिंक क्लियर, हटा दें इसे। चलिए एक सवाल और करते हैं। सवाल लिखा टू बॉयज, क्वेश्चन लिखिए टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड ए एंड बी ऑफ ए ग्राउंड, एट द एंड ए एंड बी ऑफ ए ग्राउंड वेयर ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए मीटर, वेयर ए बी इक्वल टू ए मीटर, फुल स्टॉप वाले लिखिए द बॉय एट बी स्टार्ट रनिंग इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी विद वेलोसिटी वी वन। आगे लिखिए द बॉय एट ए स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली विद स्पीड वी एंड कैचेज द अदर बॉय इन ए टाइम टी देन वैल्यू ऑफ टी इज हमको टी का वैल्यू निकालना है। सवाल पढ़ लो बेटा पहले अच्छे से, सवाल पढ़ लीजिए, सवाल पढ़ो। सवाल में कह रहे हैं कि दो लड़के हैं और वो ए बी लाइन पर खड़े हुए हैं, ऐसे चलो यहाँ पे मान लो एक ए पॉइंट और ये कोई बी पॉइंट, ध्यान से देखना, और इनके बीच की दूरी ए मीटर है, तो जो लड़का बी एंड पे है वो ए बी के परपेंडिकुलर मान लो इधर की तरफ वी वन से जाने लगा, आप इधर भी मान सकते हैं, हमने नीचे मान लिया कोई प्रॉब्लम नहीं। द बॉय एट ए स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली अब जो लड़का ए है वो वी स्पीड से भाग रहा है और इस पार्टिकल बी को पकड़ ले रहा है, तो जरा बताना तुम मुझे जो यहाँ लड़का है वो वी स्पीड से क्या इधर जाएगा, अगर इधर जाएगा ये यहाँ जा रहा है ये इसको कभी पकड़ नहीं पाएगा, तो तुम्हें खुद सोचना है कि उसे किधर भागना चाहिए। तो तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है कि ये अगर इधर भाग रहा है तो हम इसको सजेस्ट करेंगे कि तुम यहाँ कहीं भागो, थीटा एंगल पे भागो, कितनी स्पीड से भागो, वी स्पीड दी गई है सवाल में, ताकि ये इसको यहाँ कहीं जा कर के पकड़ ले। यानी बताओ जब पार्टिकल बी यहाँ पहुँचे तो पार्टिकल ए यहाँ से आ जाए और ए बी को यहाँ हमारा
पकड़ ले। लेकिन ये जो फोटोग्राफ मैंने बनाया है ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बनाया है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब मैं इसी सवाल को रिलेटिव मोशन में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ और आप देखेंगे कितना आसान हो गया। तो यार एक बात बताओ, किसी एक को रोक दो, किसी भी एक को रोक दो, किसको रोकना पसंद करेंगे जल्दी बताओ। आपने कहा सर हम ए को रोकना पसंद करेंगे, ठीक, ए को रोक दें। तो ए को अगर रोकें तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पार्टिकल ए, हमने अपना ऑब्जर्वर ए पे खड़ा किया, तो हम ए के फ्रेम में बात कर रहे हैं। तो पार्टिकल ए जो है वो हो गया रेस्ट, और अब हम ए की वेलोसिटी बी को अपोजिट देंगे। तो देखो ध्यान से, ए मीटर की दूरी पर पार्टिकल बी के पास अपनी वेलोसिटी नीचे है बी वन, और बताओ इसकी वेलोसिटी जो इधर भी थी तो बताओ इधर रहा होगा वी का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट और नीचे रहा होगा वी का साइन थीटा कॉम्पोनेंट। तो बताओ जो वी कॉस थीटा राइट है वो इसको मिलेगा किधर, लेफ्ट, लेफ्ट वी कॉस थीटा, और जो वी साइन थीटा नीचे है बताओ वो किधर मिलेगा, ऊपर वी साइन थीटा। सुनना ध्यान से, अब ये पार्टिकल ए यहाँ इंतज़ार कर रहा है और दो पार्टिकल बी पार्टिकल ए को मिलना है, यहाँ मिलना है तो अर्थ यानी पकड़ना है एक दूसरे को। तो बताओ अगर एक रुका है तो दूसरे को अगर पकड़ना है तो पक्का उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा जिस रास्ते पे वो खड़ा है। तो ये यहाँ इंतज़ार कर रहा है, तो इसको बताओ जो पार्टिकल बी है वो इस रास्ते पर आता दिखाई देगा ऐसे, कि ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और ऐसा ऐसे ही आ रहा होगा कितनी स्पीड से, v cos थीटा से स्ट्रेट लाइन में आ रहा होगा अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन। तो मैं ऐसे बोल दूं, पाथ ऑफ पार्टिकल b विद रिस्पेक्ट टू a इज स्ट्रेट लाइन अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन। तो बताइए आप हमें पार्टिकल बी का जो पाथ है ए के रिस्पेक्ट में वो उसी ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग होगा। तो बताओ ये कब होगा, जब ये वी वन और वी साइन थीटा बराबर हो जाए, यानी वी वन बराबर वी साइन थीटा हो जाए। अच्छा वी वन बराबर वी साइन थीटा क्यों होना है, अगर रिजल्टेंट इधर आ गया तो ये इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, लेकिन अगर वाई कॉम्पोनेंट कैंसिल हो गया तो पूरी की पूरी वेलोसिटी ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग बचेगी, और ये बताओ इस ज्वाइनिंग लाइन पे जाएगा और पार्टिकल ए को पकड़ लेगा। तो बताओ यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू वी वन अपॉन वी आ जाएगी, ये आ गया साइन थीटा। तो देखो इसे पकड़ने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस रिलेटिव में स्पीड रिलेटिव में। तो बताओ इसको डिस्टेंस रिलेटिव में यहाँ से यहाँ तक ए जाना है, कितनी स्पीड से जाना है, वी कॉस थीटा से जाना है। तो ए अपॉन वी कॉस थीटा, थीटा हमें पता थोड़ी है, ये तो मैंने माना है, तो इसे लगाएंगे रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो ए अपॉन वी रूट के अंदर वन माइनस साइन थीटा की वैल्यू, तो वी वन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, थोड़ा सा रूट बड़ा कर दीजिए, तो वी देखो कट जाएगा, टाइम आ गया, टाइम बराबर ए अपॉन रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बढ़िया सवाल। नोट करिए, हो जाए तो रिप्लाई करिए, हो गया। अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल,
चलिए अगला सवाल लिखिए, क्वेश्चन लिखें इससे, क्वेश्चन लिखो इससे ट्रैवलिंग, इससे ट्रैवलिंग ड्यू ईस्ट, इससे ट्रैवलिंग ड्यू ईस्ट एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आर, एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आर, ठीक है फुल स्टॉप बाद लिखें, फाइंड स्पीड ऑफ ए बोट हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ if it appears always due north from the ship, right? सवाल पढ़ लो फिर हम सवाल एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले एक बार। सवाल पढ़ लीजिए पहले आप भाई। सवाल में एक शिप है और एक बोट है, शिप जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में और जो बोट है वो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ में जा रहा है, राइट। लेकिन शिप से देखने पर वो बोट हमें हमेशा नॉर्थ में दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा है तो हमें स्पीड ऑफ बोट बताने को कहा गया है। तो सवाल देखो क्या कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो डायरेक्शन समझ लो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ऐसे। तो हमारे पास एक शिप है जो ईस्ट में जा रहा है, तो देखना ये शिप ईस्ट में जा रहा है और ये कितनी स्पीड से जा रहा है, वो है 15 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक शिप ईस्ट डायरेक्शन में मूविंग है। अब देखना, अब जो एक बोट है वो बोट की स्पीड हमें पूछी है, लेकिन वो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री इधर कहीं, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऐसे जा रहा है। इस डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इस डायरेक्शन में हमारा बोट है। तो देखो भाई, बोट ऐसे जा रहा है, ये है वेलोसिटी बोट की और ये बोट की वेलोसिटी हमने वी मान ली, ये 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये 60 डिग्री होगा, देखो ये 60 होगा। हम इसको दो तरीके से कह सकते हैं, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट या 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो उन्होंने ये बोला, हमने ये एंगल दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बताओ, इसका इधर कंपोनेंट वी कॉस 60, वी बाई टू वी कॉस 60 आएगा, इधर कंपोनेंट वी साइन 60 तो वी रूट 3/2, ये हो जाएगा वी साइन 60। अब देखो कह रहे हैं, शिप से देखने पर ये बोट हमें हमेशा नॉर्थ में जाता दिख रहा है, तो क्यों ना हम एक काम करें, बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू शिप बना लें और वो रिजल्टेंट नॉर्थ में बचना चाहिए। तो हम देखो फोटो बनाने चले, बोट विद रिस्पेक्ट टू शिप, तो बताओ यहाँ जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पे बैठेगा, शिप पर। तो हमने शिप को कर दिया रेस्ट, देखो भाई ये जो शिप है, चाहे तो शिप बना दे या शिप रहने दो, ऐसे यहाँ हमने एक ऑब्जर्वर बैठा दिया और अब ये शिप जो है वो रेस्ट हो गया बेटा। अब बोट को देखो, तो बोट की अपनी वेलोसिटी इधर वी बाई टू, इधर वी रूट 3/2, ये बोट की वेलोसिटी थी अपनी। तो हम रिलेटिव कैसे बनाते थे, जिसको रोका उसकी वेलोसिटी अपोजिट दे दी, तो इसके बाद अपनी वेलोसिटी 15 राइट थी, इसे लेफ्ट मिल गई 15। अब बताओ यहाँ से देखने पर
वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू शिप, बताओ कुछ बचना है वो मैग्नीट्यूड अभी लिख रहा हूँ, और डायरेक्शन है अलोंग नॉर्थ, नॉर्थ में बचना है, यानी बताओ रिजल्टेंट हमको इधर बचाना है इधर, तो बताओ ये रिजल्टेंट इधर तभी बचेगा जब ये दोनों इक्वल हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो बताओ ये नॉर्थ डायरेक्शन है, यही तो नॉर्थ है, तो बताओ बोट की वेलोसिटी शिप से देखने पर कितनी दिखाई देगी, वी रूट थ्री बाई टू, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन, और ऐसा कब होगा, जब ये 15 बराबर वी बाई टू, यानी बताओ यहाँ से वी बराबर 30 किलोमीटर पर आर, इसका मतलब जो बोट है वो यहाँ जा रहा था वी से, और ये वी निकल के आ गया कितना 30 किलोमीटर पर आर, और ये हमारा आंसर होगा, राइट। कोई हमसे यही कह दे कि बताइए जो बोट है, बोट हमें शिप से नॉर्थ में कितनी स्पीड से जाता दिख रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू शिप, बताओ वी अभी अभी आया कितना 30, रख दो तो 30 रूट थ्री बाई टू, तो ये हो गया 15 रूट थ्री किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर डायरेक्शन अलोंग नॉर्थ, अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करो बेटा, नोट करिए, नोट कर लीजिए। राइट, अब यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालिए रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी, रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी, रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी। राइट, तो हम आज की क्लास बस थोड़ा सा टच दे रहे हैं, बाकी अगली क्लास में बातचीत करेंगे। किसी भी पार्टिकल का पाथ, किसी को स्ट्रेट लाइन दिखता है, किसी को वही पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में जाता दिख सकता है, तो जो पाथ होता है किसी भी पार्टिकल का वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है, कि आप कहाँ से देख रहे हैं इस बात पर डिपेंड करता है उस पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री। हो सकता है मुझे ग्राउंड से कोई पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में जाता हुआ दिखाई दे, हो सकता है मुझे किसी कार में बैठ करके उसी पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन नज़र आ रहा हो, या हो सकता कहीं और से हमें उसका पाथ पैराबोलिक नज़र आ रहा हो, इलिप्स नज़र आ रहा हो। यदि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि पाथ जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट है, अलग अलग जगह पे खड़े होकर के, अलग अलग जगह पे खड़े होकर के उसी पार्टिकल को देखने पर हमें उस पार्टिकल का पाथ अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग ट्रेजेक्ट्री में जाता नज़र आएगा। राइट, अब सवाल ये आता है कि सर पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होने के लिए क्या कंडीशन है, अगर हमें किसी पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन देखना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो ज़रा समझते हैं। मेरी वेलोसिटी इधर है, तो तुम कहोगे सर आप इधर ही जाते रहेंगे अगर आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज ना हो। अब बताओ वेलोसिटी को कौन बदलता है, एक्सेलरेशन। तो तुम कह दो सर आपके पास एक्सेलरेशन ना हो, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो बताओ मैं लगातार जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करूँगा, कब, जब मेरे पास कोई एक्सेलरेशन ना हो, तो मेरा पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। या फिर तुमको सर एक्सेलरेशन हो लेकिन वो आपकी स्पीड को बदले, डायरेक्शन को ना बदले, आपका चेहरा जिधर है आप उधर ही स्ट्रेट लाइन में चलते रहें, तो बताओ अगर मेरा चेहरा इधर है राइट साइड, तो मैं बताओ राइट ही जाता रहूँगा, कब तक, जब तक कि मेरे ऊपर फोर्स लगे, लेकिन वो फोर्स मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगे, मतलब एक्सेलरेशन मेरी वेलोसिटी के साथ पैरेलल हो जाए, कोलिनियर हो जाए, तो वो मेरी स्पीड को बढ़ाएगा, डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। या फिर एंटी पैरेलल हो जाए, मैं जा रहा हूँ राइट और मुझे खींचने लगो लेफ्ट, तो मैं पहले तो राइट जाऊँगा जब तक अपनी वेलोसिटी जीरो ना कर लूँ, और फिर वापस आऊँगा, और जब वापस आऊँगा तो एक्सेलरेट करके आऊँगा, तो पाथ मेरा अभी भी यही स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ ये बात सही, मैं जाऊँगा बैक होऊँगा, लेकिन पाथ कैसा बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन।
तो किसी भी पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होने के लिए दो बातें हो सकती हैं, या तो उसके पास कोई एक्सेलरेशन ही ना हो तो वो पार्टिकल परमानेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, या फिर अगर एक्सेलरेशन है तो वो वेलोसिटी के साथ या तो पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए, या तो 180 डिग्री पे हो जाए या 0 डिग्री पे हो जाए, तो वो पार्टिकल की केवल स्पीड को बदलेगा, डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। अगर ऐसा हो जाए, मैं मान लो इधर जा रहा हूँ और तो मुझे इधर खींचने लगो, ऐसे एक्सेलरेशन, तो इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा ए कॉस थीटा, ये मेरी स्पीड को बढ़ाएगा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा ए साइन थीटा, जो मेरी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये मेरी डायरेक्शन को घुमाएगा। तो पता, अब मैं स्पीड भी बढ़ाते हुए ऐसे घूमने लगूंगा तो मेरा पाथ बताइए कर्व होने जा रहा है, हो सकता मेरा पाथ सर्कल हो जाए, हो सकता मेरा पाथ पैराबोलिक हो जाए, तो वो डिपेंड करेगा, राइट। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो पाथ है किसी भी पार्टिकल का वो फ्रेम डिपेंडेंट है, और उसके लिए आप हेड डालिए मोशन अंडर ग्रेविटी। यहाँ से हम लोग कल बातचीत करेंगे, आज के लिए इतना ही।